आज हम इसका पूरा फेयरिंग ओपन करेंगे, इसका स्पार्क प्लग भी चेंज करना है, इसका कूलेंट वाटर भी चेक करेंगे, अगर स्लज बन गया होगा तो पूरा कूलेंट ड्रेन करके नया कूलेंट डालेंगे इसमें, और ऑयल फिल्टर और ये इंजन ऑयल ये तो चेंज करना ही है। और इसके पहले हमने इसका जो ब्रेक ऑयल है इसे पूरा ड्रेन करके इसमें नया ब्रेक ऑयल डाला, जैसे कि देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन। और इसमें न्यू ब्रेक शू भी लगा चुके हैं फ्रंट और रियर दोनों में, और फ्रंट ब्रेक पैड को देख सकते हैं 435 रुपये, और रियर ब्रेक पैड का रेट 995 रुपये, और स्पार्क प्लग 187, और ये ऑयल फिल्टर 175, और कूलेंट 1 लीटर का 250 रुपीस का है। और ये ब्रेक ऑयल दो पीस लिया था 150, और ये 150 का, और ये रहा एयर फिल्टर जो कि 251 रुपीस का है। तो ये सब चीज़ आज चेंज करेंगे, और ये ब्रेक फ्लूट पहले ही चेंज कर चुके हैं। इसके ब्रेक फ्लूट को यहाँ पे पाइप लगा के आप बड़े आसानी से ड्रेन कर सकते हैं, और ये वाला जो नट है बुरी तरीके से जाम हो चुका था, इस वजह से इसे निकालने के बाद इसमें न्यू नट डाले हैं। और ये नट का जो प्राइस है ये 27 रुपीज़ का है, इसमें 11 नंबर का नट लगता है। और ये वाला जो नट है शोरूम में दूसरा लगा दिया है, इसको आज चेंज करेंगे, ये 18 रुपये का नया लाया है। और ये रहा मोटुल का 10W40 फुली सिंथेटिक ऑयल, इसको हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये हमें 739 रुपीज़ का पड़ा। और ये टापरिया का 1x4 इंची सॉकेट के साथ में टूल किट, इसे भी हमने ऑनलाइन मंगाया है, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और रिव्यू भी अच्छा था, और ये हमें 1950 रुपये का पड़ा। इसकी मदद से हम इसके थ्रोटल बॉडी को ओपन करेंगे और उसे भी क्लीन करेंगे। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, और ये रहा थ्रोटल बॉडी क्लीनर, और ये ब्रेक फ्लूइड, और इसमें .4 का ब्रेक ऑयल लगता है, और ये 19 नंबर का। और ये स्टैंड भी हमने शोरूम से लिया है, ये लगभग 850 रुपये का था। सबसे पहले हम राइट साइड के फेयरिंग को ओपन कर लेंगे, इससे हमें जो कूलेंट है इसे चेक करते बन जाएगा कि यह ख़राब हो चुका है या सही है। अगर ख़राब हो गया होगा तो हमें डिस्टिल्ड वाटर और ख़रीद के लाना पड़ेगा ताकि इसे अच्छे से ब्रीड कर सके। और ये स्पार्क प्लग भी चेंज करेंगे, और ये सब तो ऑयल फिल्टर और ऑयल तो चेंज करना ही है। और ये सक्सेसफुल, जैसा कि आप देख सकते हैं रितेश कुमार से एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, सब काम नीरज से ही कर रहे हैं। कुछ ट्रक का से टूटने की आवाज आई यहाँ पे, नीचे दबा के कर, नीचे दबा के। ऐसा लगता है है कूलेंट, ये देखिए ग्रीन ग्रीन, रितेश का फेवरेट कलर करके। नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट अच्छा ठीक है नहीं। और ये देखिए नेकेड बाइक, आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं हम कवरेज करने की पूरी कोशिश। Okay.
इसके गिरे निकाले खींच रहे बच्चा निकल गया बबलू को नहीं देना ये काम लगता इससे फिर नहीं आएगा ना निकाल वाले को ठीक है। ये 6 नंबर 6 नंबर के रैंकी से इसको खोल सकते हैं अपन। मैं अंदर भर जाए जा। ये रहा अपना थ्रोटल बॉडी, देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है ये। कपड़ा इतना साफ है, काला कार्बन जम चुका था इसमें। देख सकते हैं कितना साफ हो जा रहा है, तुरंत स्प्रे मारते ही इस तरह से इसे पूरा साफ कर लेंगे। ऐसे ऐसे अपना करें। खोलेगा गेटर का पाइप कटते हुए अभी कहाँ है, धूल तो हो गया उसमें बहुत। जाएंगे हमें ये लो यार, ये नया है ये पुराना है। पीछे दिखा पूरा खुल रहा है, पीछे आ रहा है, बीच में आना चाहिए एकदम। बातें अंदर टाइट करेंगे नहीं होगा, ढीला हो चुका है। चल नहीं रहे, इग्नोरेंस इज ब्लिस। देखा ओबरो ये रहा फ्यूल पंप, इसको अभी हमने यहाँ से निकाला है, पेट्रोल नोट जाए उसके लिए रखे हैं। इसको निकालने का पर्पस ये था कि जो फ्यूल फिल्टर है इसको हमें चेक करना था, लेकिन शोरूम जाने के बाद पता चला कि ये वाला तो नया मिलता ही नहीं है, इसका प्रोडक्ट आईडी ही नहीं दिखाया था, तो पता नहीं कैसे निकलेगा। तो इसको पेट्रोल से साफ करेंगे अब थोड़ा बहुत करके, ऐसे करने से तो गंदा निकल रहा है। किस तरफ था इसका मुंडी और पेट्रोल दिखाया पड़ जाता।
लगता है पता है वायर का दिक्कत, सही पानी भीगते ही प्रॉब्लम होता था ना वाला, हो सकता है।